हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। बहुत ही अमेजिंग किस्म की वीडियो है, तो देखते हैं वीडियो में क्या होता है। फैंटास्टिक। तो दोस्तों, ये बेसिकली टाइनी एक्रेलिक पेंटिंग्स हैं वुड स्लाइस के ऊपर। इट्स अ वंडरफुल फंटास्टिक। ये देखिए, इतना सा स्लाइस है और इतने ऐसे स्लाइस वुड के स्लाइस के ऊपर किस खूबसूरती के साथ उन्होंने पेंटिंग कर दी। अमेजिंग है, फंटास्टिक है। कैसे कैसे आर्टिस्ट छुपे हुए हैं, कैसे कैसे क्रिएटिव काम हो रहे हैं दुनिया के अंदर। ये देखिए, तो हमारी हमेशा ये कोशिश होती है कि हम अपने चैनल पर इस तरह के आर्ट आपको दिखाएँ जो आप शायद पहले कभी ना दिखें। ये देखिए, फंटास्टिक। इतने बड़े बड़े कैनवस देखे होंगे पेंटिंग्स के घरों में लगे हुए, लेकिन टाइनी पेंटिंग्स शायद आपने पहले ज़िंदगी में कभी ना देखी हो। तो आज की वीडियो में देखें ऐसी खूबसूरत टाइनी पेंटिंग्स की वीडियोस हैं। ये देखें, टाइनी पेंटिंग उन्होंने लॉकेट में डाल दी है। वह ब्यूटीफुल इस पेंटिंग पे तो उन्होंने वुड पीस लगा के 3D बना दिया उन्होंने। ये देखिए, अगेन टाइनी पेंटिंग्स हैं वुड स्लाइस पे। क्या खूबसूरती के साथ उन्होंने एक्रेलिक पेंटिंग भी किया। तो आपने बेशुमार ऐसी पेंटिंग्स देखी हैं जो कैनवस के ऊपर बनी हुई होंगी, स्टोन तो भी देखे होंगे, लेकिन छोटे छोटे वुड स्लाइस पे इतनी टाइनी पेंटिंग्स शायद आपने कभी ना देखी हो। ये मिनीचर आर्ट भी कहलाता है। और ये देखा, आज की जो वीडियो है आपको बहुत ही यूनिक और ख़ास लग रही होगी। तो बस आप वीडियो देखते जाएँ, साथ साथ लाइक का बटन भी दबाएँ, और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और दोस्तों के साथ इस वीडियो को अपने लाजमी शेयर ज़रूर करना, ताकि ऐसे खूबसूरत मुनफरद किस्म का जो आर्ट है हर एक के पास पहुंचना चाहिए। ये देखिए, खूबसूरत वुड स्लाइस हैं और इसके ऊपर उन्होंने एक्रेलिक पेंटिंग्स की हुई हैं। तो जो लोग एक्रेलिक पेंटिंग के शौकीन हैं या पेंटिंग्स करते हैं, उनके लिए आज की जो वीडियो बहुत ही खास है। वो इस तरह की वीडियो से इंस्पिरेशन ले सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं। वाओ, अमेजिंग, ब्यूटीफुल थी, फैंटास्टिक होगी। मैं आज की वीडियो तो ज़बरदस्त होगी, बेहतरीन, ब्यूटीफुल, कितने खूबसूरती और नफासत के साथ उन्होंने पेंटिंग्स की हैं। और इस तरह पेंटिंग्स करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आपको थोड़ी बहुत ही बेसिक चीज़ें आती हैं एक्रेलिक पेंटिंग्स में, तो इस तरह के बोर्ड स्लाइस आप जमा करें और उनके ऊपर फिर आप स्केचिंग करें। स्केचिंग करने के बाद पेंट्स पेंटिंग करें, और उसके बाद इन क्राफ्ट्स को फिर आप गिफ्ट करें दोस्तों को अपने घर में डेकोरेशन के तौर पर लगाएं। मनी मेकिंग आइडिया भी, ये सेल करना चाहें तो सेल भी कर सकते हैं। तो फैंटास्टिक आइडियाज हैं आज के, अमेजिंग। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। तो जल्दी से वीडियो को आपने लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना, और आने वाली जो वीडियोस हैं वो इससे भी ज़्यादा यूनिक खूबसूरत किस्म की वीडियोस हैं आर्ट्स के ऊपर। वो भी हम बहुत जल्दी लेकर आ रहे हैं और वो भी हम पोस्ट करेंगे, तो वो भी आपने देखना है। तो बेल आइकॉन का बटन तो लाजमी तो मैं, ताकि आपके पास फौरन नोटिफिकेशन भी आए। और ये क्या खूबसूरत कलर कॉम्बिनेशन है, कितना रियलिस्टिक एक लुक आती है। देखिए, ऑटम वे कोरन ने एक लुक दिखा दिया, ब्यूटीफुल, अमेजिंग। सर ड्रिफ्ट फुट के ऊपर उन्होंने पेंटिंग की। तो दोस्तों, वीडियो आपने पूरी देखनी है और आपने बताना है कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। वीडियो पसंद आ जाए तो चैनल को तो आपने फिर सब्सक्राइब करनी है, और दोस्तों के साथ भी आपने इस दफ़ा इस वीडियो को शेयर करना है। क्या खूबसूरत वीडियो, बिल्कुल रियलिस्टिकली लुक आ रहा है। छोटे से टाइनी वुड के ऊपर किस तरीके से उन्होंने पेंटिंग कर दी है। ये देखें, पेंटिंग में थोड़े फ्लावर भी लगा दी, तो और 3D लुक आ गई है, खूबसूरत लुक। तो जितनी आप अपनी क्रिएटिविटी इनपुट करना चाहें कर सकते हैं। ये देखें, छोटे से स्लाइस